हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ आप देख रहे हैं जमालपुर स्टेशन के नाइट व्यू को। और यहाँ देखिए कितना सुनसान पड़ा हुआ है स्टेशन। ये लखीसराय में जो विक्रमशिला एक्सप्रेस और जनसेवा एक्सप्रेस में आग लगा दी गई है, उसके बाद से इस रूट पर परिचालन पूरी तरह से एक तरह से ठप हो चुका है। लेकिन अब धीरे धीरे इसे स्टार्ट किया जा रहा है, उसी की अपडेट मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उनको भी अभी के स्थिति के बारे में जानकारी मिल सके। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 17 जून 2022 को भागलपुर जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस और जनसेवा एक्सप्रेस में लखीसराय में आग लगा दी गई थी, जिस कारण से पूरे दिन भर परिचालन इस रूट पर ठप रहा। शाम में 17 तारीख को ट्रेनों का परिचालन हुआ, लेकिन वह केवल जमालपुर से भागलपुर के बीच। और जो ट्रेनें चली थी वह है जमालपुर भागलपुर पैसेंजर, जमालपुर हावड़ा सुपर एक्सप्रेस, गया हावड़ा एक्सप्रेस और कविगुरु एक्सप्रेस। फिर अगले दिन यानी 18 तारीख को बिहार बंद का ऐलान किया गया था, और इस कारण से ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से ठप रहा। अब आज की बात करूँ यानी 19 तारीख की बात करूँ, तो आज भी जमालपुर से क्यूल के बीच परिचालन पूरी तरह ठप है, लेकिन जमालपुर से भागलपुर के बीच ट्रेनों का परिचालन अभी हो रहा है। शाम तक और भी ट्रेनों का परिचालन होगा। जमालपुर से क्यूल या कहिए भागलपुर से भी क्यूल गाड़ियां जाएंगी, भागलपुर से पटना भी जाएंगी, लेकिन अभी दिन में एक भी ट्रेन क्यूल की ओर नहीं गई है जमालपुर या भागलपुर से। तो आज जमालपुर से सबसे पहले खुलने वाली ट्रेन थी कविगुरु एक्सप्रेस, उसके बाद सीधा 7:30 बजे के आसपास जमालपुर साहिबगंज पैसेंजर का परिचालन हुआ, उसके बाद कुछ और पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन जमालपुर से भागलपुर के बीच में किया गया। जमालपुर से क्यूल के बीच एक भी ट्रेन नहीं चली और ना ही जमालपुर से खगड़िया या तिलरट वाली पैसेंजर चली। अभी 2 बजे जमालपुर रामपुर हाट पैसेंजर का भी परिचालन किया गया, लेकिन क्यूल तरफ एक भी ट्रेन नहीं गई। मालदा क्यूल इंटरसिटी को भी शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट किया गया है जमालपुर में। शाम से परिचालन थोड़ा मोड़ा स्टार्ट किया जाएगा। भागलपुर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस को शाम 5 बजे और विक्रमशिला एक्सप्रेस को शाम 6 बजे रिशेड्यूल किया गया भागलपुर से। वहीं अप में ब्रह्मपुत्र मेल भी भागलपुर से दिल्ली की ओर प्रस्थान करेगी, या काफ़ी लेट चल रही है। और ट्रेनों की बात करूं तो सुपर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर प्रस्थान करेगी। वहीं जमालपुर भागलपुर पैसेंजर, साहिबगंज जमालपुर पैसेंजर और हावड़ा जमालपुर कविगुरु एक्सप्रेस ट्रेनों का भी परिचालन किया जाएगा आज शाम में। डाउन डायरेक्शन में अजमेर भागलपुर एक्सप्रेस और सूरत भागलपुर एक्सप्रेस का परिचालन किया जा रहा है, और ये कुछ ही देर में भागलपुर पहुंचेंगी। वैसे ECR द्वारा कहा गया था कि सुबह 4 से लेकर के शाम 8 बजे तक किसी भी ट्रेन का परिचालन नहीं किया जाएगा, लेकिन ये दो ट्रेन अभी पटना से भागलपुर के लिए निकल चुकी है। तो इसके आगे की अपडेट मैं आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के माध्यम से पहुँचाऊँगा। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।